President of Sahitya Academy between 2013 and 2018. Thank you so much. साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार देती है, उसी तरह 2022 की पुरस्कार का भी घोषणा पिछले दिसंबर में हुआ था और बहुत अच्छे लेखकों का चयन हुआ था। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ये 24 लोगों को चयन करने के लिए भारत की 24 भारतीय भाषाओं की लेखक और विद्वान कम से कम 625 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके बाद ये 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा होती है। आज उनका वितरण समारोह है एक अमान्य ऑडिटोरियम नई दिल्ली में, और एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम होती है अकाडमी के लिए। और अकाडमी का गतिविधियां ऐसा है कि हर साल जो है फेब्रुवरी मार्च में साहित्योत्सव का नाम से कम 6 दिन का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसमें कम से कम 400 से अधिक 24 भारतीय भाषाओं की, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं है, उन लोगों को हम लोग बुलाते हैं। इस साल के साहित्योत्सव में कम से कम 60 भाषाओं की 400 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं, और पूरे साहित्योत्सव में 40 से अधिक विषयों के ऊपर चर्चा होगी। और लेकिन पूरे 6 दिन का कार्यक्रम सबसे आकर्षण जो है, और सबके दिल्ली और आसपास के सभी लोगों का, सभी साहित्य प्रेमियों का और लेखकों का इंतजार रहती है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के वितरण के समारोह, वो आज संपन्न हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, और उड़ीसा का जैसा कि हम लोग सब जानते हैं प्रख्यात लेखिका है, कवि है, और जिनको युवा पुरस्कार भी पहले ही मिल चुका था 2012 में गायत्री बाला पांडा जी को, उनकी दयानिधि किताब के लिए यूनानिमसली डिसीजन हुआ था जो दिसंबर में हम लोग घोषित किया, वो आज उनका पुरस्कार वो लेगी। और आज का जो है साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष, नया अध्यक्ष जिनको चुना है माधव कौशिक जी, उनके हाथों द्वारा उनको दिया जाएगा। एभली गोटे मर्यादाजनक पुरस्कार पाई मु बहुत गर्व अनुभव करुच्छी, जदिओ ये पुरस्कार पाइबा परे मोर दायित्व आ किछि बढ़िगला बोली भावुची, आउ किछि ये पुरस्कार भी मो भीतर किछि आह्वान सृष्टि करुच्छी आगुक आहरी भल लेखिया पई प्रेरणा दउची, किंतु मु भावुची जे जेकोनसी पुरस्कार ठू पाठकीय श्रद्धा आ स्वीकृतिटा निश्चिंत बड़। देखु गोटे कवि सब छोट छोट जिनिष को लेकर घारी हुए, तो सेमती बोधे पिलादिन मो भितर गोटे आश्चर्यपण गोटे उदासीनता रही आसीला दया नदी को लेकिन कलिंग युद्ध को लेकिन जे गोटे युद्ध गोटे नई केमी गोटे रक्त नई में बदली पारे, तो से गोटे छोटिया अनुभव हो पारे कि मो भितर एत तीव्र भाव कि सुप्त भाव थे जदिओ मुझे जापार नी से मो भितर एम अच्छी से दिने ना दिने ये गोटे कवितार गोटे कवितार रूप नेला, तापर लगातार भाव केमी कविता 62-63 लेखी जाइए निजे भी जानी मत सब लगुला जो कविता गुड़िक बोध हुए मो भर किए डाकी दूची और मुझे लिखुची। केन्द्र साहित्य अकाडेमी पक्षर उभय युव पुरस्कार और मुख्य पुरस्कार पाइबार बोध हुए मु भारत एकमात्र लेखक व कवि, यहीटा मत गोटे बहुत खुशी आनी दौची, मो भर गोटे प्रतिज्ञा करुच्छी जे साहित्य अकाडेमी मत ये गुरुदायित्व दे पुरस्कार व सम्मान देकी आग को आहरी जमती ओडिया भाषार समृद्धिपी जत्नवान होबी एवं मो भाषा साहित्य को आहरी किसी नुआ भिन्न धरण लेखा भेटी देवी। मैडम आज ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता मिलता सब आड़े सेलिब्रेशन करा यहाँ मोपाई कि गोटे भाग्यर कथे आज जी ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता मिली और आज भाई गोटे दिन में साहित्य अकाडेमी मोर लेखा को स्वीकृति प्रदान करा मत आहरी खुशी आनी दौर कारण मु भावे जे प्रत्येक साहित्यिकर तार भाषा प्रति किसी कर्तव्य थाए दायित्व थाए मोर भी मो भाषा प्रति आ कि कर्तव्य दायित्व अच्छे और भाषार सहित गोटे भाषार गरिमा सहित जिते बड़े मोर गोटे छोटिया मत जो पुरस्कार गोटे मिलू स्वीकृति, तो सही जो मिसी जाऊँगी मत आहरी खुशी लगुच्छी।